कार्यशाला का आयोजन 1 और 2 जून को होगी यूपी कांग्रेस की कार्यशाला। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। आज यानी कि 2 जून को बैठक में प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगी, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी। तो कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए जाएंगे प्रियंका गांधी की तरफ से। इसके साथ ही चुनावों में जिस तरीके से हार हुई है उस पर भी मंथन किया जाएगा। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 1 और 2 जून को यूपी कांग्रेस की कार्यशाला चल रही है और आज प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। संजय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? 24 की तैयारियों को लेकर के जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था, आज दूसरा दिन है। आज वो फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे और क्योंकि जिस तरीके से मंथन चल रहा है, राजस्थान के बाद दूसरा मंथन सेंट्रल यूपी रखा गया है, तो कैसे 24 में लड़ा जाए। उन्होंने सीधे तौर पर कल मैसेज भी दिया है कि कांग्रेस न तो झुकने वाली है और न डरने वाली है और किसी के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कैसे नए कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को बूथ वार तक तैयार किया जाए, क्योंकि 24 की लड़ाई के लिए तैयारियां कांग्रेस ने अभी शुरू कर दी है और यूपी की प्रभारी भी है प्रियंका वाड्रा गांधी, तो ऐसे में उनके कंधों में लगातार जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब तक के जितने भी चुनाव प्रियंका की अगुवाई में लड़े गए हैं अभी तक सफलताएं कम असफलताएं ज्यादा मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका के लिए भी चुनौतियां यूपी में बढ़ती जा रही है। यूपी में कांग्रेस कैसे खड़ी हो और लगातार सत्ता पक्ष से संघर्ष करे उसको लेकर के प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है। आज दूसरा दिन है, आज भी कार्यकर्ताओं के साथ वो मंथन करेंगी। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जाहिर सी बात है यूपी में कांग्रेस की स्थिति तो सभी जानते हैं और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस को यूपी के लिए पुनर्स्थापित करना प्रियंका गांधी के कंधे पर है। दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स की तरह फिल्म पृथ्वीराज